दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, सोराइसिस, दांत, एक्जिमा को जड़ से खत्म करने के सबसे असरदार नुस्खे। सोराइसिस हमारे त्वचा से संबंधित एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो हमारे शरीर में किसी भी जगह पर हो सकता है और एक ही व्यक्ति के शरीर पर यह एक से ज्यादा कई अंगों पर भी फैल सकती है। ये एक समय के साथ साथ बढ़ते जाने वाली बीमारी है, इसलिए इसमें शुरुआती दौर पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में लापरवाही बरतने से त्वचा से एक साधारण पपड़ी निकलने वाली समस्या कब एक बड़ी गंभीर रूप धारण कर लेती है हमें पता भी नहीं चलता है, और फिर खुजली के साथ साथ जलन और खून निकलने की समस्या भी सामने आने लगती है। वैसे तो सोराइसिस छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता, लेकिन कई स्थितियों पर ये जेनेटिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी भी होती है। यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को पहले से ही सोराइसिस की समस्या है तो आपको भी ये होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम से गलत बर्ताव करने के कारण होती है। हमारे शरीर पर हर 30 दिन में पुरानी त्वचा हटकर एक नई त्वचा की परत चढ़ जाती है, लेकिन सोराइसिस होने पर यह समय घटकर बहुत ही कम हो जाता है। जिन जगहों पर यह बीमारी होती है उन जगहों पर कम समय में ही जल्दी जल्दी स्किन बनना शुरू हो जाती है और लगातार उस जगह की त्वचा मोटी होकर पपड़ी में बदलती रहती है। ये बीमारी बाहरी, अंदरूनी और दिमागी तीनों कारणों से होती है, इसलिए इसे जल्द से खत्म करने के लिए बाहर के साथ साथ अंदर से भी इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही अपने रोजाना खान पान में कुछ परहेज और सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह की कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी मात्र कुछ लगा लेने से पूरी तरह ठीक हो जाए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू उपाय जिनके रोजाना इस्तेमाल से आप सोराइसिस की समस्या कम समय में ही तेजी से खत्म होता देख सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कुछ बहुत ही आवश्यक सावधानियों के बारे में जो कि सोराइसिस होने पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ लगाने वाले नुस्खों के बारे में। इसमें जो पहला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें चाहिए नीम के पत्ते, एलोवेरा जेल, हल्दी, कपूर और गेंदे के फूल यानी मैरीगोल्ड के फूल। गेंदे का फूल हर तरह के जख्मों और त्वचा के रोगों से लड़ने के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसके फायदे इतने अद्भुत हैं कि इसका नाम दुनिया में मौजूद सबसे असरदार औषधियों की श्रेणी में सबसे प्रथम आता है। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि त्वचा में आई किसी भी तरह की फंगस या इन्फेक्शन पर तुरंत असर करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ या शुगर के मरीज को जब चोट लग जाती है तो उनके जख्म बहुत धीरे धीरे ठीक होते हैं, लेकिन गेंदे के फूल के इस्तेमाल से डायबिटीज़ के मरीजों को होने वाले जख्मों में भी बहुत ही जल्दी से ठीक किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमें एक तेल तैयार करना है, जिसके लिए हमें 2 बेस ऑयल की ज़रूरत होगी। सोराइसिस को जल्दी ठीक करने के लिए तिल का तेल और नारियल का तेल, ये दोनों ही बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। तिल का इस्तेमाल लगभग 30-40% आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है, और खासकर जख्मों और त्वचा के रोगों में तिल के तेल से चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 100 ml तिल का तेल लेना है और उसमें 100 ml नारियल का तेल मिलाकर इसे गर्म करना है, वो भी कम आंच पर। इसके बाद आप इसमें 25 ग्राम यानी कि आधा कप नीम के पत्ते, 25 ग्राम ताज़ा एलोवेरा जेल और 50 ग्राम गेंदे के फूल की पत्तियां यानी 1 कप गेंदे के फूल की पत्तियां मिलाएं। गेंदे के फूल डालते समय ध्यान रहे गेंदे के फूल की पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है, इसके नीचे वाले हरे भाग का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को तेल में 5 से 10 मिनट तक के लिए मध्यम आंच में पकाएं। जब आप ये सारी चीज़ें तेल में मिलाकर पकाएंगे तो सामग्री की मात्रा तेल से अधिक लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे पकाते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें तेल में जलने लगेंगी और सामग्री में से तेल सेपरेट होने लगेगा। 5 से 10 मिनट बाद गैस को बंद कर दें और फिर इस तेल को 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने दें। जब ये तेल
हल्का गर्म रह जाए तो इसमें एक चम्मच हल्दी यानी एक टेबलस्पून टर्मरिक डाल दें और साथ ही दो चुटकी कपूर को भी मिक्स कर दें। कपूर हमें इसमें शुद्ध वाला ही इस्तेमाल करना है जो हम पूजा के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इस तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसे छान कर किसी कांच के बर्तन में भर कर रख लें। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। जब भी त्वचा से संबंधित किसी गंभीर बीमारी का इलाज करने की बात आती है तो नीम का इस्तेमाल होता ही है। ये सोराइसिस के अलावा पिंपल्स, एक्जिमा, दाद और मस्सों के लिए भी बहुत ही कारगर है। इसके अलावा नारियल का तेल सोराइसिस के कारण आए त्वचा के सूखेपन को दूर करने के साथ साथ जलन और जख्मों को भी जल्दी से ठीक करता है। इस तेल को रोजाना रात में कॉटन की सहायता से केवल उन जगहों पर लगाएं जहां पे आपको सोराइसिस की समस्या है। तेल लगाने के बाद उस जगह को कपड़े की सहायता से कवर कर लें और रात भर के लिए उसी जगह पर रहने दें। रोजाना इसका इस्तेमाल करते रहने से समय के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि सोरासाइसिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगी है। लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए इसके साथ साथ कुछ दूसरे नुस्खे भी करने होंगे। इस तैयार तेल का इस्तेमाल बालों पे भी किया जा सकता है और साथ ही जिन लोगों को दाद, एक्जिमा और मस्सों की समस्या है वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा काव यूरिन यानी कि गौमूत्र सोराइसिस की बीमारी में चमत्कारी फायदे देता है। त्वचा से संबंधित गंभीर से गंभीर बीमारियों में गौमूत्र एक वरदान की तरह है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः भारत में ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसके इतने अधिक फायदे होने के कारण काफ़ी समय से कई तरह के दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। गौमूत्र का भी इस्तेमाल एक्जिमा, दाद, खुजली, रैशेस के लिए, किसी भी तरह की फंगस या सड़न या लुकोडर्मा जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर आप ताज़ा काव यूरिन अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आप उसकी जगह दिव्य गोधन अर्क यानी कि गौमूत्र अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र अर्क आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप ताज़ा काव यूरिन अरेंज कर लेते हैं तो इसका इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि ये देसी गाय का ही हो या फिर जो गाय चारा और सब्जियां खाती हो और सेहत से पूरी तरह स्वस्थ हो उसका ही होना चाहिए। शहर में घूमने वाली गायों का मूत्र इतना फायदेमंद नहीं होता है और अशुद्ध चीज़ों को खाने की वजह से इनकी यूरिन में बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो सकती है। अपने नज़दीकी दूध बेचने वालों की मदद से देसी गाय का यूरिन प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक बार गाय का ताज़ा मूत्र मिल जाने पर आप इसका 7 से 8 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगले नुस्खे को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी हल्दी, गेंदे का फूल और गौमूत्र की। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले गेंदे के फूलों को अच्छी तरह धोकर उनकी पत्तियां अलग कर लें। इसके बाद इनकी पत्तियों को हल्दी और गौमूत्र के साथ अच्छी तरह पीसकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। इस तैयार पेस्ट को सोराइसिस से इफेक्टेड स्किन पर लेप की तरह लगा लें। अगर आप इसे दिन के समय में लगाते हैं तो इसे ऐसे टाइम पर लगाएं जब इसके इस्तेमाल के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए इसे शरीर पर लगा के रखा जा सके। और जब भी आप इसे धोएं तो धोने के बाद पहले बनाया गया तेल या फिर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही नुस्खे इतने असरदार हैं कि लगातार 1 महीने के इस्तेमाल से ही आप सोराइसिस से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही इन दोनों नुस्खों को एक्जिमा, दाद और खुजली के समस्या होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इन नुस्खों में बताए गए सभी सामग्री को अरेंज करने के लिए कोशिश करें। सोराइसिस की बीमारी जब गंभीर हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है और साथ ही हमारी हड्डियां भी कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि लगातार त्वचा सूख कर झड़ते रहने से हमारे शरीर से प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है। क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, इसलिए इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए बाहर के अलावा अंदर से भी इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली के छुटकारा पाने के लिए इन नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी त्वचा को सुंदर और परफेक्ट बनाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।